Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Sirajuddin Aziz, Mr. Javed Jabbar, members of PAT and specially PAT Education Initiative Committee, Principal Rashida Jaleel, Principal Musarrat Aslam, dear students and their proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. I am really honored to have been invited today as the distinguished guest lecturer. And for that, I am really thankful not only to the school, but especially to the Publican Alumni Trust. Before I go on for my lecture, though belated, but I would like to say Pakistan Independence Day Mubarak aap sabko. I also congratulate all the students, both boys and girls, who achieved or were awarded the scholarships today, and especially their proud parents. And thank you, Bank Al-Falah and Mr. Aziz, for so many scholarships. And then especially continuing it for 3 years is something excellent. We hope that you remain the chief executive officer for life. And so also the credit goes to Mr. Khaja Fariduddin. Yeah, Farid. Now, before I start my lecture, I would like to say, जब मैं public school में था, तो मैं debate से बड़ा घबराता था, speech से बड़ा घबराता था, जो कि normally बच्चे घबराते हैं। जैसी rostrum में जाता था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, पसीने छूट जाते थे, एक अजीब तमाशा रहता था। मुझे जबरदस्ती debating club में डाल दिया गया। और वहां हमारे उस्ताद कौन थे? जावेद जब्बार, जो मुझसे 2 साल सीनियर थे। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे आपने सुना है, एक उस्ताद था जिसने अपने शागिर्द को जिन बुलाना तो सिखाया मगर भगाना नहीं सिखाया, तो इन्होंने मुझे इंग्लिश में तो सिखा दी, डिबेट उर्दू में नहीं सिखाई दी। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ मिक्स बोलो ताकि आप सब समझ सकें। आज का जो टॉपिक है वो ये है, माई डेज एट द कैंट पब्लिक स्कूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माई कैरियर। ये इतना आसान नहीं है बोलना, खास तौर पे जब मैं एड्रेस करूं। मुझे नेवी में बोल बोल के बड़ी आदत हो गई, एक एडमिरल की तरह बोलना और तरीका होता है, स्कूल के बच्चों के साथ बात करना एक और तरीका होता है। मुझे मेरे दोस्त हैं तनवीर साहब, गोल्फ पार्टनर भी हैं, मुझे सुबह कहने लगे आज जो स्पीच होगी तुम्हारी वो सबसे डिफिकल्ट स्पीच होगी लाइफ की। मैं कहा वो क्यों? कहना जनाब अभी तक तो आप अपने यूनिफॉर्म वाले सबॉर्डिनेट्स को डांटियां मारते थे, आज क्या बोलेंगे आप बच्चों के साथ? तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं जब खत्म करूंगा अपनी स्पीच तब आप ही लोग क्वेश्चन आज में बताएंगे कि क्या है, आपने मेरी बातें समझी या नहीं समझी। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंसिडेंट्स या एडवाइस या जो कुछ मैंने सीखा स्कूल में उसको अपने कैरियर, जो बाद में मेरा कैरियर था, उसके साथ कोशिश करूंगा कि लिंक करने की कि कहां पे स्कूल की जो तालीम थी मेरी वो फायदा मंद हुई। आसान नहीं है लेकिन कोशिश मैं करूंगा। और कोई पता नहीं है, और मैं इस उम्मीद से ये बातें कर रहा हूं कि ये जो सारे बच्चे आप लोग यहां बैठे हैं, आज आपने स्कॉलरशिप्स लिए, क्या पता आप में से कितने टॉप के लीडर्स निकलेंगे, कितने आप में से टॉप के आर्म फोर्सेस के जनरल्स एंड एडमिरल्स एंड एयर मार्शल्स निकलेंगे, कितने टॉप के ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे, कितने बड़े बिजनेसमैन निकलेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप में से आज जो बैठे हैं इनमें से अगर 10 भी टॉप कर गए तो मेरे ख्याल से मैं समझूंगा कि मेरी आज की मेहनत रायगा नहीं गई।
और सबसे बड़ी उम्मीद जो मुझे है वो आपकी अपनी पर्सनल कामयाबी नहीं है, मगर उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप में से मैक्सिमम जो बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और जितना हमने रोशन करने की कोशिश की है इंशाल्लाह आप उससे 10 गुना ज्यादा रोशन करेंगे। मेरा हाल इस वक्त ये हो रहा है जैसे लेडीज जो है ना शादी में जाती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे पसीना निकल रहा हो, लेकिन उन्होंने भारी कपड़े नहीं छोड़े होते। तो आज मैं भी तकरीर करने आया तो सूट में आया हूँ, अंदर मेरा हाल भी उन लेडीज की तरह है, पसीने की तरह है। आज का जो टॉपिक है मैं बड़ा सिंपल सा रखा है, मैं तस्वीरें अपनी नहीं ला सका इसलिए कि अभी तक मैंने अपना सामान पूरा खोला नहीं है, तो इसलिए तस्वीर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स के हिसाब से टॉपिक्स बताता हूँ। पहले मैं बात करूँगा अपने शॉर्ट कैरियर पे कि मेरा कैरियर था, जो कि ऑलरेडी जावेद जब्बार ने भी बात की है इसके ऊपर। उसके बाद जैसा कि आप जावेद जब्बार भी कह चुके हैं और मैं भी कहता हूँ, लर्निंग जो है वो घर से शुरू होती, घर के माहौल से शुरू होती है, और वो जिंदगी को आपके मरने तक वो चीज़ें भूलता नहीं है जो बच्चा घर पे सीखता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है माँ बाप की। इसके बाद है स्कूल, और स्कूल के बाद अपने कैरियर में और प्रोफेशन में भी आदमी सीखता रहता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब तक कि मरता नहीं है तब तक सीखता ही रहता है। आफ्टर ऑल देखें अलवी साहब भी उस एज में रिटायर होने के बाद IBA में नॉलेज गेन करने के लिए गए थे, तो इसलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मरने तक कब्र में जाने तक सीखता ही रहता है इंसान। और आखिर में कंक्लूजन जो एक शॉर्ट सी एडवाइस होगी मेरी तरफ से, मेरा कैरियर, मेन कैरियर मेरा है नेवी। स्कूल छोड़ने के बाद, बाय द वे मैं भूल गया एक बात कहना, स्कूल में जो मैं क्या किस किस्म का स्टूडेंट था, आई मस्ट टेल यू, मैं बहुत ही खामोश तबीयत स्टूडेंट था, पढ़ाई में मैं टॉप पे था, मेरे हिस्से की तमाम शैतानियाँ वो सब जावेद जब्बार साहब पूरा कर गए। और जो कुछ रह गई थी वो तनवीर साहब पूरी कर गए। और उनके साथ जो थे हम पल्ला जफर साहब। आज तो मैं देख रहा था कि 120 स्कॉलरशिप्स थी। मुझे याद है जब मैं सातवीं में था तो उस पर हमारे प्रिंसिपल साहब ने अनाउंस किया था कि इस साल के एनुअल एग्जामिनेशन में जो बच्चा सबसे टॉप करेगा मार्क्स में उसको उसकी ट्यूशन फी स्कॉलरशिप में मिलेगी जब तक कि वो मैट्रिक नहीं करता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द वन हु गॉट इट। स्कॉलरशिप अभी आपको 500 रुपये महाना है, मुझे थी 40 रुपये महाना। ट्यूशन 30 रुपये होती थी और प्रिंसिपल साहब 10 रुपये मुझे पॉकेट मनी देते थे, और 10 रुपये उस जमाने में मुझे पूरा महीना लेके चलते। लेकिन आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट स्कॉलरशिप विच वॉज 40 रुपीज ओनली, बट इट वॉज अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड। एंड आई एम श्योर मुझसे ज्यादा जो उस पर प्राउड थे वो मेरे पेरेंट्स थे, और आई एम श्योर आज भी वही हाल होगा आज जो बच्चों ने स्कॉलरशिप लिए और उनके वालिदैन का।